मैं आज आपको एक मिसाल देता हूं कि आप नौकर बनने के बजाय आप मालिक कैसे बन सकते हैं और मालिक बनना कितना ज़रूरी है। दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं। जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो किसी बने बनाए सिस्टम में घुस जाते हैं यानी आगे जाके वो नौकर बनते हैं, एक वो लोग हैं जो अपने सिस्टम के खुद मालिक होते हैं, वो अपनी सल्तनत खुद कायम कर लेते हैं, खुद खड़ा कर लेते हैं और वो जाके आगे बॉस बनते हैं, वो मालिक बनते हैं, उन्हें नौकर बनने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये क्या, ये फ़र्क क्या है, मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सलीम है और ये अहमद है, दोनों ने तालीम मुकम्मल कर ली, समझे, दोनों ने फिलिया PhD कर ली। अब दोनों जो है वो अपना करियर स्टार्ट करने लगे हैं। अब अहमद क्या करता है, ये एक क्रिटिकल थिंकर नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मौजूद नहीं है, इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ये स्किल मौजूद नहीं है, इसके अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं है, इसके अंदर खुद एतमादी नहीं है, सबसे बढ़कर अहमद के अंदर सब्र का मादा मौजूद नहीं है। वो चाहता है कि मैं जल्दी कमाना लग जाऊँ, इसको जो भी इनसिक्योरिटी है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, ये डरा हुआ है, ठीक है ना, तो ये चाहता है मुझे जल्दी से मैं कमाने लग जाऊँ। तो ये क्या करता है, तालीम मुकम्मल करने के बाद फौरन किसी बने बनाए सिस्टम में घुस जाता है, यानी नौकरी करना शुरू कर देता है। माहाना उसको 50,000 60,000 1,00,000 मिलना शुरू हो जाते हैं पहले ही महीने से, जैसे ही वो शुरू कर लेता है। अब दूसरी तरफ है सलीम। सलीम एक क्रिटिकल थिंकर है, सोच विचार करने वाला, डिसीजन मेकिंग पावर इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर सबसे बढ़ के जो मादा ज़रूरी है ये पेशेंस है, सब्र का मादा है कि मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं महीने के अंदर मैं कमाना शुरू करूं, ये पेशेंस है इनके अंदर। और इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल मौजूद है, इसके अंदर लीडरशिप स्किल मौजूद है, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिव एंड इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, नई चीज़ें करना, और इसके अंदर रिस्क लेने का मादा मौजूद है, वो रिस्क लेने से नहीं घबराता, और ये खुद एतमाद है। क्या है, खुद एतमाद है, इसे अपने आप पर, अपने सलाहियतों के ऊपर भरोसा है, और इस बात का भरोसा है कि अल्लाह ताला मेरी कश्ती को डूबने नहीं देगा, अल्लाह मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। और ये क्या है, ये एक मुस्तकिल मिजाज है, ये क्या है, मुस्तकिल मिजाज है। एक क्रिटिकल थिंकर भी इसको कहते हैं कि काम शुरू करने से पहले वो 1,000 दफ़ा सोचे, लेकिन जब वो शुरू करें तो फिर उस पर मुस्तकिल वो कायम दायम रहे। अब क्या होगा कि अहमद पहले महीने से कमाना शुरू करेगा, और ये जो सलीम है जब भी अपनी इमारत खड़ा करना शुरू कर देगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, पैसा कमाने में टाइम लगेगा, बहुत सारा इसको मशक्क़त उठाना पड़ेगी। इसके अंदर एक और स्किल जो बहुत ज़रूरी है, मशक्क़त करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, स्मार्ट वर्क करना, सोचो विचार करना, कौन सा काम कहाँ से कैसे शुरू करें, टीम वर्क जानता है कि टीम वर्क जो है वो क्या है। तो चंद सालों बाद, 5-6 साल बाद, अहमद जो है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे होगा। यानी नौकर जब आप बनते हैं तो आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप पेंशन लें, बाकी आप सैलरी में से एक, जिसको हम एक सुपर लाइफ कहते हैं, वो नहीं गुजार सकते। और चंद सालों बाद सलीम कहाँ पे खड़ा होगा, सलीम वहाँ पे खड़ा होगा जहाँ पे ये 100 से ज़ायद लोगों को नौकरियाँ भी दे सकेगा, वह इस काबिल होगा कि वो 100 से 200, बाज़ारों के ऐसे 1,000 उनके साथ नौकर होते हैं, वो लोगों को नौकरियां देने वाला होगा। और ये आखिर तक इस कश्मकश में मुबतला होगा कि सैलरी कब आएगी और सैलरी कब आएगी। अब मेरे कहने का मकसद ये, डियर स्टूडेंट, कि जो मैंने सलीम के जो स्किल बताए हैं,
मैं चाहता हूँ कि आप अहमद न बने, आप सलीम बने। आप सब में सलीम बनने की ताकत भी मौजूद है, सलीम बनने का टैलेंट भी आप लोगों के अंदर मौजूद है। अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है तो वो है हौसला। आपके अंदर अगर मौजूद नहीं है तो वो रेस्ट लेने की ताकत। मैंने जो स्किल्स बताए, अब क्या है कि कामयाबी के लिए जो मैंने बुनियादी स्किल बताए, अगर आप PhD भी कर लें, अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो आप एक नौकर होंगे। आप मुल्क के लिए सरमाया नहीं बन सकते, मुल्क इकोनॉमी को बेहतर बनाने में आप अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो सलीम में मौजूद हैं, जो अपनी इमारत खड़ा कर सकता है। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप भी ये स्किल जो है अपने अंदर पैदा करें। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके अंदर जो है वो डिग्रियों की अहमियत नहीं होगी। फिर आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे, इतने कॉन्फिडेंट इस स्किल को सीखने के बाद कि तुम्हें बाज़ जगहों पे डिग्री दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको कहने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैंने BS किया है, मैंने MPhil किया है, मैंने इतने एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है। यही वजह है कि आज जॉब या नौकरी की तलाश में हम इतने बर्बाद हो गए हैं, कई सारे लोग इतने नाउमीद हो चुके हैं कि उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया है। तो लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अहमद के बजाय सलीम बनने की कोशिश करें और आप ये बन सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपने अहद किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आप बन के दिखाएंगे और आप इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे और आपके पास 100 से 200, 300 लोगों को आप नौकरियाँ भी देंगे। लिहाजा आप नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बन जाए।